उत्तर प्रदेश से है। राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता प्रदेश भर में जनसभाएं, रोड शो और रैलियां कर रहे हैं और इनके माध्यम से पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट भी मांग रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा डिमांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखी जा रही है। प्रदेश भर में योगी आदित्यनाथ की सभाओं में साफ तौर पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग योगी को सुनने और देखने के लिए छतों से लेकर रैलियों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोधपुर के सूरसागर और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गहलोत सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने धारा 370 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समस्या दी, मोदी जी ने उनका समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान किया। पुष्टिकरण के नाम पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाई थी, हमें आश्चर्य होता है। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें एक ही बात तो करती थी, एक ही बात कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, भैया देश का नागरिक कहां जाएगा, एक गरीब कहां जाएगा, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कहां जाएगा, हमारा वनवासी आदिवासी कहां जाएगा, पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा, अन्नदाता किसान कहां जाएगा, युवा कहां जाएंगे, महिलाएं कहां जाएंगी। और भाइयों बहनों, एक तरफ अभी आपने देखा होगा मातृशक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से आदि आबादी को सम्मान देने का काम, दूसरी ओर तीन तलाक पर हमेशा के लिए ताला लगाने का काम भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गरीबों के कल्याण के लिए चलने वाली योजनाएं किस रूप में प्रभावी ढंग से लागू हो रही है, कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बनाए गए 9 वर्ष में, ये काम कांग्रेस भी 55 वर्ष के शासनकाल में कर सकती थी,